ओए आज मेरा बर्थडे आना है सबको। मेरी मम्मी ना केक लेकर आई है और नमकीन बिस्किट सब चीज। और हाँ गिफ्ट लेकर आना, नहीं तो ना बुलाऊंगी नहीं अपने बर्थडे पे। मेरी मम्मी ने पता क्या कहा कि रिटर्न गिफ्ट भी देंगी। फिर तो मैं पक्का आऊंगा। मैं भी पक्का आऊंगी। बोल भी कौन रहा है बर्थडे पार्टी में आने के लिए, तेरी मम्मी तेरे को कहीं जाने भी देती है? एंड टाइम में सारा प्लान खराब कर देती है। लास्ट में फोन आता है, यार मेरी मम्मी नहीं आने देगी मुझे बर्थडे पार्टी में, सॉरी। हम तो बहुत मस्ती करेंगे, चल रहो ना पार्टी की तैयारी करने चलते हैं। चल कुछ भी हो जाए बर्थडे पार्टी में तो मैं जाऊंगी, आऊंगी मैं इस बार बर्थडे पार्टी में, सुन लो दोनों। हाँ हाँ देख लेंगे। अब जल्दी से पूरी तैयार हो जाती हूँ, शादी तो तैयार में हो ही गई और फिर चुपचाप से निकल लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा अनीता की लड़की कहाँ जा रही है इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के? अपनी मम्मी को बताया तूने कहाँ जा रही है? तेरी मम्मी तो कह रही है कि मैं अपनी लड़की को कहीं नहीं बेचती, कहाँ जा रही है? मैं कहाँ जा रही हूँ अंकल, मैं तो यहीं पे हूँ, खाना खा के आई थी, ज्यादा खा लिया था तो सोचा बाहर थोड़ा हंड लेती हूँ, ऐसी है ना टहल लेती हूँ। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ घर में, मैं कहीं तैयार व्यार होकर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं घर में भी ऐसी तैयार होकर रहती हूँ पर्स वर्स लेके। चलिए जाइए अंकल बाय। हेलो हाँ, अरे आ रही हूँ यार बर्थडे पार्टी में, नहीं मेरे बिना केक मत काटना मैं बता रही हूँ देख लो। ठीक है क्या हुआ अंकल, गए नहीं आप अभी तक? अच्छा बर्थडे पार्टी में जा रही है, रुक अभी तेरी मम्मी को बताता हूँ, चल अंदर। बर्थडे पार्टी बुड्ढा भी यहीं बैठा है, ये साला फेर आ गया, जब देखो मेरी बीवी पे लाइन मारता रहता है, गुस्सा चढ़ता है इसके ऊपर मुझे। अनीता जी, अनीता जी, नमस्ते। अनीता जी नमस्ते, ये देखो आपकी लड़की, आप कह रहे थे ये कहीं भी नहीं जाती है शाम को, ये देखो किसके बर्थडे पार्टी में जा रही है, पकड़ के लाया हूँ मैं इसको बाहर से, ये भाग रही थी घर से। तू बाहर कब चली गई, वो भी मेरे से बिना पूछे? अरे मम्मी मैं कहीं और थोड़ी ना गई थी, बस गली में घूमने गई थी, ऐसी तैयार हो गई। मैंने तेरे को कितनी बार मना किया है शाम को अकेले बाहर नहीं जाते ऐसे। तो क्या हो गया बर्थडे पार्टी में तो गई थी, शीला का बर्थडे था, मेरे सारे दोस्त आते, बस मैं ही नहीं जाती हूँ, कहीं पे भी नहीं भेजते अब मेरे को। चुप, मुझे सब पता है कहाँ जा रही थी कहाँ नहीं, भेजू तेरे को बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पार्टी में भेजू, बर्थडे पार्टी में भेजू। नहीं जा रही ना। थैंक यू मिस्टर कटक, आप जा सकते हैं। ये अनीता भी ना, मेरी तो आजादी इसने छीन लिया, अब बच्चों की भी आजादी छीनेगी, क्या करूं मैं इसका, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान जी मेरे मम्मी पापा ना मेरे को कहीं पे भी नहीं जाने देते, सबके मम्मी पापा जाने देते बर्थडे पार्टी में भी, घूमने फिरने भी, पार्क में भी, और मेरे मम्मी पापा ना हर चीज में चिक चिक करते हैं, पापा तो नहीं पर मम्मी बहुत ज्यादा करती है। भगवान जी कुछ तो कर दो ना, मेरे को भी बर्थडे में जाना है, चिल्लाओगे कहीं पे भी नहीं जाने देते मेरे को, और भी तो
कुछ तो चमत्कार कर दो, कुछ भी ऐसा कर दो ना जिससे मेरे मम्मी पापा भी मेरे को जाने दे बाकी सब बच्चों की तरह। भगवान जी इस बार जरूर सुन लेना मेरी। तो बिल्कुल मेरे जैसी है और आप हमारे जैसी हैं। ऐसे कैसे हो गया? कहीं ये मेरी जुड़वा बहन तो नहीं है जो कुंभ के मेले में खो गई हो? कौन हो तुम? फैंसी। फैंसी? फैंसी डैंसी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अरे हाँ, लगता है शिवजी ने मेरी सुन ली। बताती हूँ ना, इसको अपने घर ले जाती हूँ और मम्मी पापा को यकीन दिला देंगे कि यही असली नैन्सी है। और फिर मैं चली जाऊँगी बाहर घूमने के लिए और ये रहेगी घर में। मम्मी पापा भी खुश, मैं भी खुश। इसको थोड़े से पैसे दे दूँगी, शायद ये मान जाएगी फिर। लेकिन ये अपने आप से बातें क्यों कर रही हैं? सुनो, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? देखो मुझे ना तुम्हारी बहुत हेल्प की ज़रूरत है। मेरे मम्मी पापा ना मेरे को घर से कहीं पे भी बाहर नहीं जाने देते हैं, तो अगर तुम मेरा छोटा सा काम कर दोगी ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, रोज़ के 1000 रुपये दूंगी। कैसा काम? तुम्हें ना बस इतना काम करना है, तुम्हें मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा के साथ रहना है नैन्सी बनके, और मुझे ना बाहर घूमना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा ना मेरे को कहीं पे भी बाहर नहीं जाने देते। मेरी फ्रेंड है ना शीला, उसका बर्थडे है, वहाँ पे भी नहीं जाने दे रहे मेरे को। तो अगर तुम बस इतना सा काम कर दोगी ना तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी। क्या मम्मी पापा? मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है। मैं इनके साथ चली जाती हूँ, इनका भी काम हो जाएगा और मुझे मम्मी पापा का प्यार भी मिल जाएगा। थैंक यू भगवान जी, आज आपने मेरी सुन ली। मैं माँ बाप के प्यार के लिए तरस रही थी और आज आपने मुझे दे दिया। क्या सोच रही है ये? मना ना कर दे। अच्छा 1500 रुपये? नहीं नहीं, हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। पक्का? चलो फिर। चलिए। तो सबसे पहले तो ना मुझे तेरे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे सूट नहीं पहनती ना नैन्सी। मैं तेरे को कपड़े देती हूँ मेरे। ये ले, ये पहन ले और ये। ठीक है, जल्दी से पहन के आ जा। अब ठीक है हमारे कपड़े? हाँ अब सही है, अब लग रही है तू नैन्सी। तो अब ना तेरा टेस्ट होएगा, तभी पता लगेगा कि तू इस घर में रह सकती है या नहीं रह सकती है। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा बोलती हूँ ना वैसा वैसा करियो। और हाँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरे मम्मी पापा को पूरे यकीन हो जाना चाहिए कि तू नैन्सी ही है। ठीक है। हाँ ठीक है, चल जा। पूरा दिन इस लैपटॉप में लगे रहते हो, कभी मेरे पे भी ध्यान दे लिया करो। अच्छा तो खाने में आज क्या बनाया है? टिंडे। टिंडे? टिंडे कौन खाता है घर में भाई? तुम खाओगे? मैं? एक बात बताओ, तुम्हें हर महीने सब्जी के पैसे देता हूँ, वो कहाँ जाते हैं? काम करता हूँ। कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। नमस्ते माता जी।
क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा चुटी मारना? बेटा तुम ठीक हो ना? बुखार बुखार तो नहीं है ना? तू तो कभी पैर नहीं छूती थी, आज क्या हो गया तेरे को? वो माता जी, हमने ना डिसाइड कर लिया कि हम सारी शैतानी छोड़ के ना अच्छी बच्ची बन के दिखाएंगे। आजा बैठ। बैठो बैठो बेटा। होमवर्क हो गया? सारा। साइंस का? हाँ। इंग्लिश का? हाँ जी। और मैथ्स? मैथ्स का भी हो गया। तू इतनी समझदार कब से हो गई? आज से, अभी से ही। वो न्यू ईयर आ रहा है ना, तो हमने ना नया साल शुरू होने से पहले ही रेजोल्यूशन ले लिया कि अब से हम ना अच्छी संस्कारी लड़की बन के दिखाएंगे आप। अच्छा बेटा, मेरे पे जो गई है ना, रहने दो, अच्छा मैं खाना लाती हूं तेरे लिए। अरे नहीं नहीं माता जी, आप रुकिए, हम डाल के लाते हैं खाना। माता बेटा, तू तो मम्मा कहती है ना? हाँ जी मम्मा, हम खाना डाल के लाते हैं आपके लिए। हम तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बेटी पे किसी ने टोना टोटका कर दिया? अरे सही है, मुझे तो ऐसी बेटी चाहिए थी एकदम। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कुछ गड़बड़ चुप। आओ बेटा आओ आओ, कितनी सुशील होगी हमारी बेटी। लीजिए माता, मम्मी जी मम्मा, बेटा मम्मा मम्मा खाना खा लीजिए। तू खा पहले। मैं? हाँ बेटा तू खा। तेरे लिए बनाया मैंने, पता है तेरे को? कैसे लगा? तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से खाना बनाया तुम्हारे लिए। धन्य हो गया ये बाप आज इतनी प्यारी बेटी पाके। हे भगवान तेरा शुक्र है। ए क्या बताने वाली, बताना। क्यों बुलाया मैं यार? मैंने ना तुम दोनों को कुछ बताने के लिए बुलाया, बताने नहीं दिखाने के लिए। पर तुम लोग ना पहले प्रॉमिस करो कि शोर नहीं मचाओगे, चिल्लाओगे नहीं, और किसी को तो बताना भी मत, गलती से भी नहीं। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। ठीक है प्रॉमिस। फैंसी फैंसी। मुझे भी पता है ये बात तो, क्यों सेम टू सेम मेरे जैसी है। अरे ये कोई भूत भूत नहीं है, ये मेरी क्लोन है, यानी मेरी जुड़वा, बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है ये। चुप करो ना। तुम्हें पता है मेरे को ना ये मंदिर में मिली थी, और वहीं पे मैंने इससे बात करी, और इसने बताया कि इसके मम्मी पापा नहीं है, तो इसको मैं अपने घर लेके आ गई। अब मेरे मम्मी पापा तो मेरे घूमने जाने नहीं देते, अब मैं इसको घर पे छोड़ के और खुद चली जाऊंगी खेलने और घूमने फिरने और ऐश करूंगी। और इसको मम्मी पापा का प्यार चाहिए था और एक घर चाहिए था, तो इसको मम्मी पापा का प्यार भी मिल गया और एक घर भी मिल गया। अब इसकी मदद हो गई और मेरी भी मदद हो गई। और वो जो बुड्ढा है ना, जिसने मेरी शिकायत लगाई थी, कुछ काम वाम तो करता नहीं है, बेकार आदमी कहीं का, उसको भी मजा चखाएंगे अब। हाँ यार तो एकदम सही बोल रही है, वो बुड्ढा हमारे बीच में बहुत बोलता है। चलो हम लोग खेलने चलते हैं, इसको मैं घर के काम में लगा देती हूँ, मम्मी पापा के साथ रहेगी, मेरा होमवर्क भी कर देगी, मम्मी पापा के काम भी कर देगी, है ना? और उस बुड्ढे को तो ना हम कल मजा चखाएंगे। हाँ तू सही कह रहे हो, कुछ काम धंधा तो करता नहीं हूँ बुड्ढा, बस बच्चों की चुगलिया करता रहता है, खेलने भी नहीं देता। वही क्या कर रहा है? तू मेरी बहन है वो थोड़ी ना। ठीक है चलो चलते हो, इसको घर के अंदर ही छुपा के और इस बुड्ढे को मजा चखाते हैं। चलो आज देखूं किसके बच्चे की शिकायत लगानी है, कौन शरारत कर रहा है। आज नहीं छोड़ूंगा किसी को भी।
ये रहा वो नल्ला बुड्ढा जिसने मेरी मम्मी से मेरी कंप्लेंट करी थी और मुझे पिटवाया था। अच्छा तो ये है वो बुड्ढा। चलो इसको मदद चिका कर आते हैं। चलो गाइस अपनी अपनी पोजीशन पे लग जाओ। चलो, चलो। ये अनीता की बेटी मानेगी नहीं, इसकी मैं सारी शिकायत लगाऊंगा इसके घर पे। रुक तू अभी। अनीता जी, अनीता जी। ये साला फिर आ गया, इसको कोई काम धंधा नहीं अपने घर पे। जब देखो मेरी बीवी पे डोरे डालता रहता है। अरे रे 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 रे, क्या हुआ ध्रुव जी, गिर गए क्या? और गिरते गिरते इतना गिर गए क्या? नहीं गिरा नहीं हूँ। क्या हुआ, कुत्ते ने काट लिया क्या? नहीं कुत्ते ने भी नहीं काटा, आपकी लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलके मेरे को पीट दिया। उस दिन आपकी बेटी की कंप्लेंट करी थी ना, उसने बदला आज लिया अपने दोस्तों के साथ मिलके। मेरी बेटी? कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो आप, मेरी बेटी अंदर बैठी है। अंदर बैठी है? वो तो बाहर अपने दोस्तों के साथ। बुलाऊं? बुलाओ। नैंसी, बेटा नैंसी। हाँ जी मम्मा। ये रही मेरी बेटी। दो दो नैंसी, एक यहाँ है एक बाहर है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप, पहले आपने मेरी बेटी को पिटवाया, अब उस पे ये इल्जाम लगा रहे हो? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, वो बाहर है। लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको तो मुझे पीटना पड़ेगा। बढ़िया पिट, अच्छी बात है, तू है ही पिटने के लायक। मेरे जैसा आदमी हो ना, इसको पागल कुत्ते के पास छोड़ा है। कैसी बातें कर रहे थे मम्मा ये अंकल, पढ़ाई कर अपनी जाके। जी मम्मा। काम करती हूँ ना, घूमने जाती हूँ सुबह सुबह। मम्मी पापा को तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास फैंसी है ना, मजे आ जाएंगे सुबह सुबह घूमने में। रौनक को बुलाती हूँ। हेलो रौनक, सुन एक काम कर, तू ना अपनी स्कूटी लेकर मेरे घर आ जा मेरे को लेने के लिए। हम ना स्कूटी पे गेड़ी मारेंगे सुबह सुबह, मस्त हवा लगेगी ठंडी। तेरे मम्मी पापा कहाँ भेजेंगे तुझे? अरे तू पागल है क्या, चिंता क्यों कर रहा है तू, मेरे पास फैंसी है ना, दिक्कत की क्या बात है। अरे हाँ। चल ठीक है, जल्दी आ जा और शीला को भी ले आइयो अपने साथ। ठीक है। आजा आजा। अब आएगा मजा, अब मेरे पास फैंसी है, कुछ तो फायदा उठाओ इसका। कहाँ रह गई? आ जा। ये कहीं इसकी मम्मी ने तो नहीं रोक लिया इसको? बेटे आज तो मस्त गेड़ी मारेंगे स्कूटी में सुबह सुबह। चलो मेरी टांग। अरे मम्मी फूट गए। हे भगवान,
बच गए आज तो, वरना आज तो तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता हमारा। सही कह रही है यार, गाड़ी वाले की गलती है सारी। हाँ, इतनी तेज भगा के ला रहा था। गलती तो यार हमारी भी है, आज तो हम लोग बच गए। अगर कल को हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, हमारे घर में भी नहीं पता मम्मी पापा को कि हम लोग कहाँ गए हुए हैं, छुप छुपा के आ गए हम लोग। अगर कल को कुछ हो जाएगा तो कौन हमारी मदद करने आएगा। हाँ यार, सही बोल रही है। हमें बता के आना चाहिए अपने घर वालों को, हम कहीं भी जाएं। सही कह दिया, मैं तो नहीं आऊंगी आगे से कभी भी बिना बताए अपने घर वालों को। हम भी नहीं जाएंगे। चलो घर चलते अब। बैठ। आराम से चलाइयो। मैं तो आराम से चला रहा था। आउट कर दे, आउट। मैं कैसे आउट हो गई, मैं तो टच भी नहीं हुई जरा सी भी। मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे को आउट होते हुए। तो तेरी ये आंखें ना खराब है, इनका इलाज करवा ले या फिर इस पे चश्मा लगवा ले। चीटिंग करते रहते दोनों के दोनों। यार ये कितनी रोनतड़ी है, हर गेम में ना ऐसे ही करते है। हम नहीं खेलना चाहते तेरे साथ, तेरे को खेलना नहीं होता तो क्यों खेलती है हमारे साथ। मैंने तो टच भी नहीं हुई, बोल जरा सी भी, झूठ बोलते रहते बस, हर बार ऐसे मेरे को हरवाते झूठ बोल बोल के। बहुत नहीं बन रही तू, तेरे साथ खेलना ही नहीं है। जा यार जा, जा निकल यहाँ से। ठीक है फिर, नहीं खेल रही, जा। मैं भी जा रही हूँ और अपनी बॉल भी लेके जा रही हूँ मैं तो चली अपनी बॉल लेके मेरे घर। इस बॉल के घर दिखा रही है तू हमें? हाँ दिखा रही हूँ। शायद नहीं डरा रही तू, और हम नहीं खेलना चाहते तेरे साथ अब। अब देख तो हम तेरे साथ क्या करते हैं। क्या कर लोगे तुम दोनों? कोई नहीं, हम भी ना तेरे घर जा रहे हैं तेरी मम्मी को बताने कि वहाँ पे जो वो नैन्सी है ना। अबे पागल, फैंसी। हाँ जो वो फैंसी है, वो फैंसी है, तू नैन्सी है, वो तेरी क्लोन है। अब देख तू पिटेगी बहुत मस्त तरीके से, देख अभी पता कर। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। खेलो ना बोल, तुम्हारी तो बोल है, खेल लो तुम लोग। हमें नहीं चाहिए बोल। हम नहीं खेलना चाहते, अब तो हम बता कहेंगे। तू देख, अब देख। मम्मी को मत बताइए, मेरी मम्मी बहुत मारेगी पता लग गया तो। हाँ चल ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरा सारा होल्ड वर्क करना पड़ेगा। करेगी? मजबूरी का फायदा उठा रही चुड़ैल। कोई बात नहीं, अभी हाँ बोल देती हूँ, बाद में मना कर दूंगी। हाँ बहन ठीक है, मैं तेरा सारा होमवर्क कर दूंगी। ठीक है फिर, नहीं बता रही। ठीक है फिर, चलो घर चलते हैं। मैं तो बताऊंगा ना तेरे घर जाके। भाई तू क्यों बताएगा, तू मेरा भाई नहीं, अच्छा दोस्त नहीं है, मैं तेरी कितनी मदद करती हूँ। देख मैं सिर्फ एक बात पे मान सकता हूँ, अगर थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए तो। मोटा ठुसवा दो इसको तो जितना मर्जी। ठीक है ठीक है, नहीं अभी खिला अभी। ठीक है चल। दोनों के दोनों इतने गंदे है ना, कभी कभी समझ नहीं आता मेरे दोस्त है या दुश्मन है। इनको तो कोई सीक्रेट बताना ही नहीं चाहिए, अब पैसा खर्च करवाएंगे मेरे। आ जा, कहाँ रहेगी, आ रही हूँ। अरे पैसे खर्च करवा दिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब ना तुम दोनों ये चिप्स अपने मुंह में ठूसो, और मेरे घर पे ना अपना मुंह खोलने की जरूरत भी मत करना। तेरे को क्या लगा हम तेरे घर में नहीं बनाएंगे, हमें तो बस पार्टी चाहिए थी। अभी रुक रुक, हम तेरी मम्मी को बता कहते हैं, भाग रो ना। ए रुको, भगवान कितने गंदे दोस्त है ये, मेरे को पिटवाने में तुले हुए। रुक जाओ और चिप्स दिलाऊंगी। अरे नैन्सी की मम्मी, ये देख क्या दिखा रहे न्यूज वाले, फिर से कोविड के केस बढ़ गए हैं। सही कह रहे हो नैन्सी के पापा, मेरे को तो इस बार भी लग रहा है नैन्सी पेपर बारहवीं के घर से ही देगी। पागल हो क्या दोनों, गेट पीट रहे हो हमारा। आंटी अंकल आपको एक बात बताए, वो नैन्सी है ना आपसे एक बात छुपा रही है। क्या? आपको पता है आपके घर में जो नैन्सी है ना, वो नैन्सी नहीं है, वो उसकी क्लोन है, यानी जुड़वा। फैंसी। पागल हो गए हो क्या दोनों,
कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे मेरी एक बेटी है नैंसी, मैं ना जानू फैंसी वैंसी को। वो पता है फैंसी को घर में बिठा कर बाहर पूरा चक्कर लगाती, घूमती रहती और हमारे साथ खेलती रहती पूरे दिन ऐश करती है उस फैंसी को घर पे बिठा के। और पता ना, वो कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं करती, वो हर टाइम बस मस्तियां करती है। ये बच्चे भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है छोटा भीम ज्यादा देखने लग गए। मना करता था ना ज्यादा टीवी मत देखने दो, लो आ गया नतीजा। आंटी अंकल आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं आंटी, आप ना अभी नैंसी को बुला लो, मतलब जो यहाँ फैंसी है उसको बुला लो, क्योंकि एक नैंसी तो हमारे साथ खेल रही थी बाहर अभी पार्क में। देखना अभी हमारे पीछे पीछे आएगी डर डर के। बुलाती बुलाओ बुलाओ इनकी तो आज खबर मैं लूंगा दोनों की। देख लेना अंकल हम झूठ नहीं बोलते। कुछ बताया तो नहीं ना पापा, सब बता दिया। चल देख तेरे दोस्त पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अंकल देखो बोल रहा था ना मैं सच बोल रहा हूँ। और अंकल हमें ऐसे झूठी लड़कियों के साथ नहीं खेलते जो झूठ बोलती है। दूसरी बेटी कहाँ से आ गई? धोखा करना माँ बाप से। इस लड़की को तूने लाके यहाँ पे रख दिया, ये हमारे सारे काम कर रही है और तू क्या कर रही है बाहर जाके मटर गश्ती। हम दोनों ने तेरे पे इतना विश्वास किया पर तूने हमारे सारा विश्वास तोड़ दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तूने ये सारा धोखाधड़ी जो सीखा है ना अपने मामाओं से सीखा है, आए दिन जो तुम्हारे मामा आ जाते थे। और तुम्हारा खानदान एक नंबर का चिंदी चोर है। मेरा खानदान चिंदी चोर है? ये घर में जो तू बैठी है ना ये मेरे खानदान ने दिया है, वो जो गाड़ी में तू घूमती है ना ऐसे ऐसे करके वो मेरे खानदान ने दिया है और मेरा खानदान चोर है। हैं? अच्छा अपनी बेटी को सिखा पहले, मामाओं के घर जाना बंद करवा। अच्छा ये सब किया धारा ना इसकी बुआओं का है, एक महीने आके रुक जाती है यहाँ पे। मेरी बहन के बारे में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, सारा काम वो करती है, तुम वहां जाके बैठ जाती हो। आंटी रुको, अंकल आप भी रुको, आप तो खुद ही लड़ने लग गए, इन दोनों का मसला सॉल्व करो ना। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। हाँ मैं भी देख लूंगा। ठीक है ठीक है। और नैंसी क्या ये सब? आंटी जी इनकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है, इन्होंने जो भी किया सब हमारे कहने पे किया, वो दरअसल मेरे माँ बाप नहीं है और मुझे पता ही नहीं कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। मैंने अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं और ना मुझे पता कि मेरे माँ बाप है कौन। और जब इन्होंने मुझे बताया ना कि इनके मम्मी पापा है, इनका घर है, तो इसलिए मैंने इनसे इनकी मदद मांगी थी कि ये हमें इनके घर ले जाए। ये मान भी नहीं रहे थे हमारी बात, लेकिन फिर इन्होंने मेरे ज़बरदस्ती करने पे मेरी बात मान ली थी, तो इन्होंने बस सारी चीज़ें हमारे कहने पे ही करी। क्या ये लड़की सही बोल रही है? हाँ हाँ मम्मी पापा ऐसा ही हुआ था। झूठी, उसके लिए झूठ बोला था मैंने। अंकल जी आंटी जी हम चले जाते हैं यहाँ से, हमें माफ़ कीजिएगा हमारी वजह से आप लोगों को इतनी दिक्कत हुई। बेटा किसने बोला तुम्हारे माँ बाप नहीं है? हाँ मैं ना, मैं तेरी मम्मी, ये तेरे पापा। बेटा ये दोस्त भी तुम्हारे और आज से ये घर भी तुम्हारा।